लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। 41 साल के शख्स ने 11 साल की लड़की से की शादी, फोटो वायरल हुआ तो फूटा लोगों का गुस्सा। दूल्हा बोला शादी की है भगाकर नहीं लाया खबर, जरा हटके कुआलालंपुर। मलेशिया में 41 साल के शख्स अब्दुल करीम की 11 साल की लड़की से शादी को लेकर हंगामा मचा हुआ है। बच्ची का हाथ थामे अब्दुल करीम की फोटो इंटरनेट पर तेजी से सर्कुलेट हो रही है, जिस पर लोग गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब्दुल के पहले से 2 बीवी और 6 बच्चे हैं, जिनकी उम्र 5 से 18 साल तक है। विवाद में फंसने पर दी सफाई। विवाद में फंसने के बाद अब्दुल ने बोर्नियो पोस्ट से बातचीत में अपना बचाव किया और कहा कि मैं कोई लड़की को लेकर भागा नहीं हूँ, मैंने लड़की की फैमिली की मर्जी से उसके साथ शादी की है। जब से मैंने उससे तीसरी शादी की है, तब से मैं सोशल मीडिया पर अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों और आलोचनाओं से बहुत निराश हूँ। अब्दुल ने ये भी सफाई दी है कि वो लड़की के 16 साल का होने के बाद ही उसके साथ रहेगा और तभी मैरिज सर्टिफिकेट भी लेगा। लड़की के परिवार की सफाई। वहीं लड़की की फैमिली का कहना है कि उन्होंने इस शर्त पर शादी की है कि लड़की 16 साल की होने तक हमारे साथ ही रहेगी। फैमिली ने बताया कि दूल्हा स्क्रैप रबर के डीलर का काम करता है और उन लोगों से काफी अमीर है। शादी को लेकर जबरदस्त गुस्सा। मलेशिया में यूनिसेफ के रिप्रेजेंटेटिव मरीने क्लार्क हैटिंग ने कहा कि ये केस चौंकाने वाला है, जिसे मंजूर नहीं किया जा सकता। ये किसी भी तरह बच्चे के हित में नहीं है, ये बच्चे के अधिकारों का उल्लंघन है। वहीं एक सोशल मीडिया यूजर ने भी इस पर गुस्सा जताते हुए कहा है कि इस शख्स को इस लड़की से शादी की इजाजत देकर हमने उस बच्ची का बचपन छीन लिया है, हमें बाल विवाह खत्म करना चाहिए। सरकार के पास शादी का नहीं रिकॉर्ड, इधर मलेशियन सरकार के पास शादी का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, उन्होंने इस मामले की जांच शुरू की है। माना जा रहा है कि इनकी शादी थाईलैंड में हुई है। वुमन फैमिली और कम्युनिटी डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट में कहा कि मिनिस्ट्री नाबालिग की शादी के मामले को गंभीरता से देख रही है, हम धार्मिक काउंसिल्स के साथ मिलकर इसकी जांच और इसके खिलाफ कानून सख्त करना चाहते हैं।